हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप प्रेग्नेंट हैं या फिर आपको पीरियड्स आएंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप कैसे सिर्फ एक पेट दर्द से पता कर सकती हैं कि पेट में होने वाले चेंजेस से आप पता कर सकती हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या फिर आपको पीरियड्स आने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिसे यूज़ करके आप 100% पता कर सकते हैं कि आपको पेट दर्द हो रहा है जो प्रेग्नेंट होने का हो रहा है या फिर पीरियड्स आने का पेट दर्द आपको हो रहा है। आप खुद ही कुछ ही सेकंड में ये पता कर लेंगे कि पेट दर्द आपको इम्प्लांटेशन होने का हो रहा है। आइए जानते हैं डिटेल में, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और वीडियो अगर आपको दिल से पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और भी आगे वीडियो बनाने के लिए। आइए जानते हैं पीरियड आने से पहले और प्रेग्नेंट होने के पेट दर्द में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है, दोनों में आप कैसे पहचान सकते हैं कि पीरियड्स का पेट दर्द हो रहा है या फिर प्रेग्नेंट होने का। पीरियड अगर आने वाले हों तो पेट में दर्द कहाँ होता है, कब होता है, कितने दिन तक होता है, ये जानना आपके लिए ज़रूरी होता है। दोस्तों, जब भी किसी महिला को पीरियड्स आने वाले हैं तो उसके जो बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का एक हार्मोन होता है वो रिलीज होने लगता है, जिसके कारण आपको पीरियड्स के समय और उससे पहले आपको पेट में दर्द होने लगता है। और पीरियड्स का पेन आपको पीरियड डेट के एक दो दिन पहले या फिर पीरियड्स के एक दो घंटे पहले होता है। इससे पहले आपको पेट में दर्द नहीं होता है, जो कि पीरियड्स आने का होता है। और ये दर्द आपको पेट के निचले हिस्से में, कमर में, हिप के एरिया में, जांघों में, टांगों में और पैरों में भी कई बार दर्द होता है, कमर में भी होता है। ऐसा दर्द होने पर पूरे शरीर में आपको थकावट, कमजोरी, आलस फील होने लगता है और आप अपने आप को बीमार फील करने लगती हैं। ये दर्द सिर्फ पीरियड के एक दो दिन पहले होता है, उससे पहले नहीं होता है। कुछ ही रेयर केसेस में पहले होता होगा, लेकिन सब महिलाओं को इससे पहले नहीं होता है। और प्रेग्नेंट होने पर आपको पेट दर्द क्यों होता है, कब होता है और कैसे होता है, कितने दिन तक होता है, आइए अब ये जान लेते हैं। दोस्तों, जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो फर्टिलाइजेशन के बाद जब स्पर्म और एग मिल जाते हैं तो पूरी जब फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है, तो फिर आगे का जो वो काम होता है, फर्टिलाइज हुआ एग यूट्रस की तरफ ट्रेवल करने लगता है, वहाँ पर जाकर इम्प्लांट हो जाता है और इम्प्लांटेशन सक्सेसफुली हो जाता है। और सक्सेसफुली इम्प्लांटेशन होते ही महिलाओं को पेट में गड़बड़ होने लगती है। पेट में बहुत सी महिलाओं को कुछ चेंजेस नज़र आने लगते हैं, क्योंकि पेट के अंदर ही बच्चा बढ़ना शुरू हो जाता है, पनपने लगता है, तो वहाँ पर बदलाव आते ही हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर महिला इसे नोटिस करती है, बहुत सी महिलाएं इसे नोटिस नहीं कर पाती हैं। इसलिए अगर आप वक्त से पहले ये जानना चाहती हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं, तो आपको अपने पेट में होने वाले चेंजेस को, जो 2 से 3 चेंजेस होते हैं, जिन्हें आपको नोटिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रेग्नेंट होते ही, ताकि आप सावधानियां बरत सकें अपनी प्रेगनेंसी को लेकर। प्रेग्नेंट होने का जो पेट में दर्द है वो आपको जिस दिन आपकी पीरियड्स आनी हो उस दिन भी हो सकता है, और ये दर्द आपको पीरियड के 20वें दिन से लेकर पीरियड डेट तक या फिर उसके बाद भी बना रहता है। अगर ये दर्द आपको पीरियड डेट के एक दो दिन पहले हो रहा है और पीरियड नहीं आते हैं तो ये प्रेगनेंसी का संकेत होता है। और अगर ये दर्द पीरियड के 20वें दिन से लेकर पीरियड तक इन दिनों के बीच, इन 10 दिनों के बीच हो या फिर कभी कभी हो, तो ये भी प्रेग्नेंट होने का संकेत होता है। पीरियड का 20वां दिन, मेरे कहने का मतलब है पीरियड के 20वें दिन से, मेरे कहने का मतलब है आपकी जब पीरियड लास्ट जो पीरियड आई है आई थी उसको पहला दिन माने, और जब आपकी पीरियड का 20वां दिन होगा उधर से आप नोटिस करना शुरू कर दें और पीरियड डेट तक आप नोटिस करें। और अगर पीरियड डेट के 3 दिन पहले से आपको दर्द हो रहा है, अभी पीरियड आने में टाइम है, तो ये प्रेग्नेंट होने का दर्द हो सकता है। जहाँ पे मैं आपको एक और बात क्लियर कर दूँ, अगर पीरियड के 20वें दिन से पहले अगर आपको पेट में दर्द हो रहा है, जैसे पीरियड के 14वें दिन, पीरियड के 16वें दिन, पीरियड के 18वें दिन अगर आपको पेट में दर्द हो रहा है, तो ये प्रेग्नेंट होने का संकेत नहीं हो सकता है। ये पीरियड आने का संकेत भी नहीं होगा, क्योंकि ये टाइम आपके ओवुलेशन का है। ओवुलेशन मतलब आपकी ओवरी से एग रिलीज होने वाला है या फिर हो गया है, यही सही टाइम होता है रिलेशन मेंटेन करने का, क्योंकि इसी टाइम सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके प्रेग्नेंट होने के। अगर इस टाइम आप रिलेशन मेंटेन करते हैं तो स्पर्म के साथ एग मिलकर फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाती है। और जो प्रेग्नेंट होने का पेट में दर्द होता है वो बिल्कुल हल्का सा सुई जैसा, चुभन जैसा आपको दर्द होता है, और जो पीरियड का दर्द होता है वो तेज होता है।
और जो प्रेग्नेंट होने का पेट दर्द होता है उसके साथ आपको टांगों में, जांघों में, पैरों में थकावट नहीं होती है, लेकिन अगर पीरियड आने का पेट दर्द होगा तो उसके साथ आपको बॉडी पेन, आलस, जांघों में, टांगों में और पैरों में दर्द होता है। और प्रेग्नेंट होने का पेट में दर्द के साथ आपको पेट फूला फूला सा लगता है, पेट में गड़बड़ हो जाती है, जैसे कब्ज की शिकायत या फिर लूज मोशन की शिकायत, बार बार पोटी आना, बार बार आपको वॉशरूम को यूज़ करना पड़ता है, खाना पचता नहीं है, पेट में गैस बन जाती है या फिर वॉमिटिंग होने लगती है, आपको फाट की जैसे शिकायत हो जाती है, बार बार आप गैस पास करने लगती हैं, क्योंकि प्रेग्नेंट होते ही प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है वो रिलीज हो जाता है, जिसके कारण जो डाइजेस्टिव इशू हो जाते हैं, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन डाइजेशन के जो प्रोसेस है उसको स्लो डाउन कर देता है। इसी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण महिलाओं को वॉमिटिंग जैसा फील होता है और कई बार खाना खाने का मन नहीं करता है, खाना देखते ही वॉमिटिंग जैसा फील होता है, मन खराब होता है। और प्रेग्नेंट होने पर आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है, हमेशा नाभि से नीचे ही दर्द होता है, ये दर्द आपको नाभि से ऊपर नहीं होता है, ये दर्द या बीच में या फिर लेफ्ट या फिर राइट साइड फील होता है, लेकिन नाभि से सीधा नीचे वाले भाग में। ये सब होने पर आप समझ जाएं कि आप या तो प्रेग्नेंट हैं या फिर आपके पीरियड्स आने वाले हैं, अगर आपको ऐसे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं जो मैंने आपको पहले बोले हैं। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको ये वीडियो मेरा दिल से पसंद आया होगा, और अगर दिल से पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। थैंक यू गाइस।